रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फैसला किया गया है कि आइंदा खरीदारी से कबल इंजनों और बोगियों का तीसरे फरीक से मुआयना करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी से मुआहदे उनके दौर से पहले किए गए, कुछ इंजन उनके दौर में आए जिनके मुतालिक भी शिकायत थी। 16 के अंडर फ्रेम में सीरियस क्रैक्स हैं। ये क्रैक्स ऐसे हैं कि इन क्रैक्स की बुनियाद पे एज इट इज इन्हें हम ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे में डिजाइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि PIA इसलिए खसारे का शिकार है क्योंकि वहाँ फैसले इंतजामिया नहीं यूनियन कर रही है, और एक अदारा जो पहले ही खसारे में डूबा हुआ है उसको मजीद खसारे का शिकार कर दें तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा जी कि उसके हवाले कर दो। वफाकी वजीर ने लाहौर से कराची अपग्रेड करके चलाई जाने वाली बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में रेलवे के इंजन पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। पहले मरहले में 200 इंजन बनाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ इमदाद चुमरो, 92 न्यूज़ लाहौर।